हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूं। जैसे कि बहुत से लोग के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो लिप कलर लगाते हैं तो जब भी वो पीते तो उसका स्टेन कहीं ना कहीं आ जाता है, यानी कप में आ जाता है या फिर किसी चीज में भी आ जाता है। तो आज मैं ऐसा DIY लेके आई हूँ कि आप लिपस्टिक भी लगाएंगे और उसका स्टेन भी कहीं नहीं आएगा और काफी देर तक स्टे करेगा। मैं बोल सकती हूँ कि 48 आवर्स वो स्टे करने वाला है। काफी अच्छी रेमेडी है और सबसे अच्छी बात है गर्ल्स के लिए काफी अच्छा है, यानी कि आप मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने लिप कलर लगाया और आपके जो होंठ हैं वो काफी अच्छे से शाइन करेंगे और मतलब कि लगेगा भी कि आपने लिप कलर लगाया है। और अगर कोई ऐसे ऐसे रब भी करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब आप ऐसे सबको रब करके, यहाँ तक कि इवन रुई से ऐसे साफ करके दिखाएंगे तब भी उसमें लिप कलर नहीं आएगा। तो ऐसा DIY मैं आज लेके आई हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के साथ शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें, यानी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे आपको एक बाउल में जो फूड कलर आता है, जिसे खाने वाला रंग कहते हैं, आपको वो लेना है। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, रेड वाला, पिंक वाला, ऑरेंज वाला। मैं यहाँ पे ऑरेंज वाला यूज़ कर रही हूँ और आपको इसमें जो मैंने आपको फेविकोल 5 रुपये का ब्लैक हेड्स वाले वीडियो में बताया था, वही फेविकोल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, फेविकोल MR। बहुत थोड़ा सा लीजिएगा, इतने में आई थिंक 2-3 लोग लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम बन नहीं सकता था। तो इतनी क्वांटिटी बनाइएगा कि एक बार में हो, और कोई भी कलर ले सकते हैं, बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ और ऑरेंज लिपस्टिक शेड ही। आपको एक ब्रश की हेल्प से इसे लगाना है ताकि जो लिप कलर है वो अच्छे से सेट। की हेल्प से इसलिए लगाइए ताकि लिप कलर जैसे लगता है आपके लिप्स पे उसी तरह बिल्कुल सेट हो और बिल्कुल उसी तरह से कलर आए। तो यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ ताकि मतलब एक एक कोने में ये रहे और जैसे बिल्कुल एज अ लाइनर लगा के हम लिप कलर लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगे यहाँ पे। तो मैं इसीलिए ब्रश की हेल्प से इसे लगा रही हूँ। और लगभग 15 मिनट बाद ये सूख जाएगा, तो आपको अगर होगी तो ये निकल जाएगा। अगर लेयर थिक नहीं होगी तो आपको हल्का सा रब करके जो फेविकोल MR है उसे निकाल देना है। तो मैंने बहुत थिक लेयर नहीं लगाई थी इसलिए ये एक साथ नहीं निकलेगा, इसलिए मैं बहुत ही जेंटल हैंड से इसे रब करके निकाल दूँगी और इसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लूँगी। तो इससे क्या है, जो फेविकोल MR है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और आपका लिप कलर पूरा उभर के आ जाएगा। वॉश, आप देख सकते हैं लिप कलर जो है पूरा उभर के आया है। लिप कलर को आप चाहे टिश्यू पेपर से पोछे, चाहे कॉटन से पोछे या फिर मेकअप रिमूवर से पोछे, किसी तरह से भी ये निकलने वाला नहीं है और 48 आवर्स तक ये आपके लिप पे रहेगा। तो आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं, पिंक कलर, बहुत सारे कलर आते हैं फूड कलर में। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसे लगाना चाहते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे कलर के साथ आप इसका मिक्स मैच कर सकते हैं। तो गाइस, आपको मेरा ये DIY पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, खासकर गर्ल्स जो हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।